देखो अप डाउन कर रहे हैं ना, yes, कितना हेनरी निकला, 11 माइक्रो हेनरी निकला, 11 माइक्रो हेनरी, जबकि सर्किट डायग्राम में कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। दोनों ही ओरिएंटेड है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, तो मोस्टली यहाँ प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ फिर उसके बाद उसको जब स्किल्स में जब हम हैंड स्किल लेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सर ने जो पढ़ाया देन उसको हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल में, बहुत बढ़िया रहे सर। इतना की सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, बहुत इतना सीखे कि अभी अगर हम चाहे तो बॉडी का हर एक पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जब कि बहुत बड़ी बात होता है जी, एक मतलब बिगिनर के लिए बॉडी का हर एक पार्ट बोलना बहुत ही बड़ी बात होता है, हमको पता नहीं था सब चीज। यू आर अ बिगिनर, आपने शुरुआत की है यहां से, शुरुआत की बस। मल्टीमीटर सब लोग देखिए, ये मल्टीमीटर में यहाँ पर ऑटो इंडक्टर लिखा हुआ है, इस मल्टीमीटर में यहाँ पर ऑटो इंडक्टर लिखा हुआ है, ध्यान देना, और ये यूएसबी से लगा है इसलिए यहाँ पे यूएसबी लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस मल्टीमीटर में यहाँ ओएल है, अब सपोज ये वाला है चार्जिंग का, किसका बताइए, चार्जिंग का, और चार्जिंग का कितना माइक्रो हेनरी होता है, 1 पॉइंट, वेरी गुड, 1 पॉइंट से ही चार्ज होता है आपका फोन। अगर ये बदल दोगे, अगर ये बदल के ये लगा दोगे तो कभी चार्ज नहीं होगा। सो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, इसको यहाँ लगाऊंगा, सो देखो ये 1 के आसपास बताना चाहिए, 1, हालांकि 1 बताया पूरा तो ज्यादा अच्छा है। देखिए तो ये बताएगा 0.9 अगर अच्छा बता रहा है कंडीशन में तो, और सही तरीके से टच हो जाए तो ये बताना चाहिए, नहीं 11 तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखो कितना बता रहा है, नहीं नहीं मतलब ये रीडिंग देखो एक्यूरेट सही रीडिंग है, ये 1 माइक्रो हेनरी आ गया यहाँ पर, 0.8 माइक्रो हेनरी ये आ गया, मतलब 1 माइक्रो हेनरी के अप्रोक्स। अब इसको देखो दूसरे बोर्ड में, एक वीवो के सेट में कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो, 1.3 माइक्रो हेनरी, ठीक है। ये चीज किस किस को समझ में आई बताइए, मल्टीमीटर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सब लाइव है, यस सर। टाइम क्या हो रहा है अभी, 10 बज रहे हैं, यस सर। सवेरे कितनी बजे क्लास थी हमारी, 8 बजे, 8 बजे क्लास थी, यस सर। थोड़ा क्लियर बोलो कितनी, यस सर, 8 बजे, 8 बजे क्लास थी, मजाक तो नहीं कर रहे हो, यस सर। अभी तो 10 बज गए, यस सर, यस सर। तो अभी बीच में हॉस्टल गए थे क्या तुम, नो सर, नहीं गए थे हॉस्टल, नो सर। कंटिन्यू क्लास है, यस सर। खाना खाने का ब्रेक कितनी देर का दिया आपको, 15 मिनट बता दिया गया है, डीप नॉलेज दिया, डीप नॉलेज अभी तक पता ही नहीं था सर कि ऐसा भी होता है कि इतने डायोड इतने प्रकार के होते हैं कि नॉर्मली एक प्रकार के डायोड होते हैं। और बात करें कॉइल की तो कितनी हेनरी की कॉइल लगी होती है, बूस्ट में कितनी हेनरी की लगी होती है, बक में कितनी हेनरी की लगी होती है, रिबॉलिंग किया सीपीयू, रिबॉलिंग किया कि सीपीयू भी रिबॉलिंग किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, अच्छा। और कौन सी स्टेंसिल से किया आपने, यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपने की, तो हम चाहते तो आपको प्रॉपर स्टेंसिल देके भी करवा सकते थे जी, वो काम ज्यादा सरल था। हमने कठिन रास्ता आपके लिए क्यों चुना, आप तो फ्रेशर थे, हमने कठिन रास्ता क्यों चुना आपको, ताकि आपको आगे चलने के बाद आगे जाओगे तो आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, नहीं करना पड़े, है ना। जब आप तब, प्रशांत पवार पुणे महाराष्ट्र से सर, हमारी 2 दिनों की क्लास हुई है अभी, 2 दिनों में कंपोनेंट के बारे में हमें सब समझाया गया है जी। तो मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ, पर जो नॉलेज मुझे यहाँ से मिला है कि कंपोनेंट क्या काम करते हैं, उनका वर्किंग कैसे चलता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उनके लिमिट्स क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर आके समझ में आ गई। पिछले 10 सालों से हम जो कर रहे थे शायद वो कुछ गलत था, या हमें पूरा उसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो कि यहाँ पर हमें पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है, जो भी डाउट है ये तो पूरी थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी दोनों तरफ से हमें समझाया गया है पूरा। कंपोनेंट ये के पहले पता था कि ये इस टाइप का काला दिखता है, ये एक सर के सब दिखते रहे, सब एक सर के दिखते थे। अब एकदम सेक्शन वाइज बताया कि ये किसके लिए लगा है, क्या काम करता है, डायोड बोलो, कैपेसिटर बोलो, रजिस्टर बोलो, जीना रजिस्टर बोलो, सब एकदम अच्छी तरह से पहचान, सब क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, एकदम पूरा क्लास में आपने प्रैक्टिकल करा, बिल्कुल करा सर। और सर ने किसी चीज की कमी छोड़ी क्या आपको? नहीं, कंपोनेंट सर के बारे में बोले तो जितना बोले इतना सर कम है, क्योंकि वो पहले तो समझाते हैं फिर प्रैक्टिकल करके भी बताते कि ये चीज़ है, उसको निकाल के भी बताते इसको कैसे चेक करना है, निकालने के बाद कैसे चेक करना है, ऑन बोर्ड जब बोर्ड में लगाए तो क्या वैल्यू आएगी, निकालने के बाद क्या वैल्यू आएगी। अगर कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि मैं भाई 8वीं 9वीं पढ़ा हूँ,
तो क्या उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे कोई डिग्री या ग्रेजुएशन का काम है क्या? नहीं। क्या फील करा आपने? मैं सब सबसे पूछना चाहूंगा, कोई डिग्री या किसी का ग्रेजुएशन होना जरूरी है क्या? है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई स्कूल और हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, है ना, तो कोई हायर एजुकेशन के रिक्वायर्ड है क्या? हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। टीवीएस के अंदर लैग नहीं होते हैं। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं डायोड मोड पर, तो ये एक नॉर्मल डायोड होगा या जीनर डायोड होगा? नॉर्मल डायोड होगा या जीनर। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लगा कैसे है, ये चेक कर लें। देखिए मल्टीमीटर, सब लोग देखिए, ये मल्टीमीटर में यहाँ पर ऑटो इंडक्टर लिखा हुआ है। इस मल्टीमीटर में यहाँ पर ऑटो इंडक्टर लिखा हुआ है, ध्यान देना, और ये यूएसबी से लगा है, इसलिए यहाँ पे यूएसबी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस मल्टीमीटर में यहाँ ओएल है। अब सपोज, अब जैसे ऐसे यहाँ इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, क्लास भी देखा, दोनों चीज देखा, मतलब ये हमें पर्टिकुलरली देखा। ठीक है, अब देखो देखो अप डाउन कर रहे हैं ना। यस सर। कितना हेनरी दिखा? 11 माइक्रो हेनरी दिखा सर, 11 माइक्रो हेनरी। जबकि सर्किट डायग्राम में कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। ये वाला है चार्जिंग का, किसका बताइए? चार्जिंग का। और चार्जिंग का कितना माइक्रो हेनरी होता है? 1.1। वेरी गुड, 1.1 से ही चार्ज होता है आपका फोन। अगर ये बदल दोगे, अगर ये बदल के ये लगा दोगे तो कभी चार्ज नहीं होगा। सो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, इसको यहाँ लगाऊंगा, सो देखो ये 1 के आसपास बताना चाहिए, 1, हालांकि 1 बताया पूरा तो ज्यादा अच्छा है। देखिए तो ये बताएगा 0.9 अगर अच्छा बता रहा है कंडीशन में तो, और सेंटरीजर टच हो जाए तो ये बताना चाहिए, नहीं 11 तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखो कितना बता रहा है, नहीं नहीं, मतलब ये रीडिंग देखो एक्यूरेट सही रीडिंग नहीं है। ये 1 माइक्रो हेनरी आ गया यहाँ पर, 0.8 माइक्रो हेनरी ये आ गया, मतलब 1 माइक्रो हेनरी के अप्रोक्स। अब इसको देखो दूसरे बोर्ड में, एक वीवो के सेट में कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो, रोक भी थोड़ी सी, ये 0.9 माइक्रो हेनरी ओके है। ये वाला कॉइल लास्ट चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, और ये वाला कॉइल को देखेंगे, ये वाला कॉइल को देखेंगे, 1.3 माइक्रो हेनरी। ठीक है, ये चीज किस किस को समझ में आई बताइए? मल्टीमीटर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो
कॉइलों को चेंज करने के लिए सर्किट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही कहीं से भी कोई सा भी कॉइल बदल नहीं सकते, ना ही इसको जंपर, ना क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है हेनरी पर, हेनरी की वैल्यू पर। अगर बूस्ट कॉइल में ये हेनरी की वैल्यू क्या हो रही है और यहीं पर ये वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम बोलो, मैक्सिमम बोलो, कितना, 10 माइक्रो हेनरी, एक लगेगा किसमें, और ये किसमें लगेगा, ये बना लिया आपने। सब लाइव है? यस सर। टाइम क्या हो रहा है अभी? 10 बज रहे हैं? यस सर। सवेरे कितनी बजे क्लास थी हमारी? 8 बजे क्लास थी? यस सर। थोड़ा क्लियर बोलो कितनी? यस सर 8 बजे। 8 बजे क्लास थी? मजाक तो नहीं कर रहे हो? यस सर। अभी तो 10 बज गए। यस सर। यस सर। तो अभी बीच में हॉस्टल गए थे क्या तुम? नो सर। नहीं गए थे हॉस्टल? नो सर। कंटिन्यू क्लास है? यस सर। खाना खाने का ब्रेक कितनी देर का दिया आपको? 15 मिनट कि एक घंटे का दिया? 15 मिनट का दिया था। यस सर। फिर भी जनता विश्वास नहीं करेगी, जनता आपको समझेगी आप झूठे हो। नहीं नहीं सर, 15 मिनट का दिया गया, 15 मिनट का ब्रेक दिया था। यस सर। और देव सर की क्लास 12:30 से 11:30 से यहाँ 11:45 से, तो कितनी बजे तक, देर तक चली आपकी? शाम तक 5 बजे। 5 बजे तक चली है ना? 12 के बाद अगर 5 जोड़ू तो 5 घंटे होते हैं। यस सर। 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 घंटे होते हैं। यस सर। यस। तो 5 घंटे आपकी प्रैक्टिकल क्लास चली कि नहीं चली? यस सर। जितनी थ्योरी थी उतना प्रैक्टिकल था? यस सर। है ना? और आज हमारी दोपहर में जो हमारी मॉर्निंग की क्लास थी वो क्या क्लास थी आज आपकी? किस किसने सीपीयू रिवॉल्विंग करा? हम सब ने। हाथ खड़े करके बताइए। हम सब ने। कवर रखिए आप अपने हाथ। सबने क्या? यस सर। यस सर। सबने क्या? यस सर। पावर भी करा? यस सर। सीपीयू भी करा? यस सर। और डबल डेकर सीपीयू किस किसने करा? सब ने। सब ने। सबने क्या? यस सर। स्टेंसिल कौन सी थी? यूनिवर्सल स्टेंसिल थी। यस सर। तो कोई भारी काम लगा क्या? नो सर। सबका सक्सेस हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपकी जो 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई है वो किन के साथ थी? ये जो टीवी में आ रहे हैं उनके साथ ही थी? यस सर। आपके पीछे इनके साथ ही थी? यस सर। देव सर के साथ ही थी? यस सर। अच्छा, तो देव सर के साथ थी कंपोनेंट 2 की क्लास आपकी? यस सर। कंपोनेंट 2 की, तो आज आपके कंपोनेंट का समापन हुआ? यस सर। तो ये बताइए मेरे को कि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है? नो सर। किसी प्रकार का भी? नो सर। बात करें थ्योरिकल, बात करें प्रैक्टिकली, तो किसी को किसी प्रकार का डाउट है? सर। चलिए ठीक है, तो आज का मैं रिव्यू शुरू करता हूँ आपसे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजय प्रजापति हूँ, मैं देवास से हूँ सर। हाँ। मेरे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड आज तक मेरे को पूरा आइडेंटिफाई नहीं पता था कि कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। आज पूरे एक्स वाई जेड मेरे डाउट क्लियर हो गए सर, और एक्स वाई जेड विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम से भी मैं चेक कर सकता हूँ सर। अच्छा, तो जो सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, तो ये बताइए मेरे को कि उस कंपोनेंट की क्लास में खाली आपको ड्राइंग करके रजिस्टर बता दिया गया है या डीप नॉलेज दिया? डीप नॉलेज सर, अभी तक पता ही नहीं था सर कि ऐसा भी होता है कि इतने
डायोड इतने प्रकार के होते हैं कि नॉर्मली एक प्रकार, प्रकार के डायोड होते हैं। और बात करें कॉइल की, तो कितनी हेनरी की कॉइल लगी होती है, बूस्ट में कितनी हेनरी की लगी होती है, बक में कितनी हेनरी की लगी होती है, एक्चुअल उसका काम क्या होता है, किस किस नामों से बोलते हैं। अगर वो स्केमेटिक डायग्राम फलानी फलानी ब्रांड का है, हम सीपीयू पे काम करते हैं कि मॉडल पे काम करते हैं, हर जो हमारी क्लास होगी वो सीपीयू वाइज होगी, है ना। अभी हमारी सिर्फ दो दिन की क्लास हुई है, दो दिन की क्लास का समापन अभी हुआ है, अभी 10 बज रहे हैं, और लास्ट में सबका सबको काम डन करवाने के बाद मैं आपका रिव्यू ले रहा हूँ। तो आपका रिव्यू लेके कोई गलत कर रहा हूँ कि नहीं? ये चेतना है उन स्टूडेंट के लिए कि जो यहाँ पर आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वाकई में जो हम बोलते हैं, देखो मेरी बात नहीं मानेगा, जनता बात मानेगी किसकी? हमारी, आपकी मानेगी। आप फीस दे के बैठे हो, आप जनता जनार्दन हो, आपकी फीस दे के बैठे हो, आपकी ही बात मानेगी जनता, हमारी बात नहीं मानेगी। तो किसी प्रकार का कोई फेक रिव्यू है? नो सर। किसी भी प्रकार का? नो सर। आपसे पूछ रहा हूँ? नो सर। किसी भी प्रकार का फेक? नो सर। आप फीस दे के बैठे ना? यस सर। अच्छा, रात में मैंने कोई बिरयानी ऑफर तो नहीं करी? नो सर। नहीं करी ना? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं मोहम्मद फिरोज अंसारी, बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ फिरोज, बताइए फिरोज, इस फील्ड में कितने टाइम से थे और कितने दिन का नॉलेज है, और दो दिन की क्लास में वो पुराना नॉलेज और दो दिन की क्लास का नॉलेज क्या बोलेंगे? जी मैं तो इस फील्ड में लगभग 3 साल से हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं मतलब कंपोनेंट क्या होता है और CPU IC वगैरह ये सब के बारे में मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। डाइवर्ट किसे कहते हैं, रिबोल कैसे होता है, मतलब कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ आके हमको जो है कि बहुत सारे कंपोनेंट और IC वगैरह रिवोल्विंग हर चीज़ की मतलब जानकारी एक एक करके मतलब सारी बोर्ड की लगभग है, हो चुका है टोटल। आज आपके साथ दोपहर में जो क्लास थी आपकी, सुबह क्लास थी आपकी CPU रिवोल्विंग की, तो आपने किया CPU रिवोल्विंग? जी सर। कौन सा CPU किया आपने? CPU रिबोलिंग किया। अच्छा। दो बार किया, तीन बार किया, चार अच्छा। बार किया। अच्छा, और कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपने की। तो हम चाहते तो आपको प्रॉपर स्टेंसिल देके भी करवा सकते थे जी, वो काम ज्यादा सरल था। हमने कठिन रास्ता आपके लिए क्यों चुना? आप तो फ्रेशर थे, हमने कठिन रास्ता क्यों चुना आपका? ताकि आप तो आगे चलने के बाद आगे जाओगे तो आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, है ना। जब आप टफ काम कर सकते हो तो आसान काम बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फिर आपकी दोपहर में क्लास देव सर के साथ थी, तो किस लेवल से पढ़ाया सर ने और आपका कंपोनेंट का समापन किया उन्होंने? जी सर का पढ़ाने का लेवल तो बहुत बढ़िया, कितना भी तारीफ करें तो बहुत कम है। सर जो पढ़ाते हैं, तो मैं जो कि ऑनलाइन देखता था तब से मैं जो है कि देख के ही मैं आया हूँ उनका पढ़ाई लिखाई, मतलब किस टाइप से वो समझाते हैं, हाँ मतलब उनका कुछ अलग ही नज़रिया है कुछ समझाने का पढ़ाने का। अच्छा। ठीक है, तो जो सर ने पढ़ाया वो आपने आके प्रैक्टिकल क्लास में किया आपने? जी, जो तो प्रैक्टिकल क्लास में यूँ बोल दिया कि टीचर यहाँ थे नहीं और आप अपनी मर्जी से करो या इस टाइप की चीज़? जी नहीं, उस टाइप से नहीं है। सर पानी भी नहीं पीते हैं, बैठते भी नहीं है, एनी टाइम खड़े रहते हैं, जब तक हमारे क्लास में रहते हैं तब तक। और प्रैक्टिकल क्लास में आपको छोड़ दिया जाता है कि भैया तू तेरी मर्जी से कर ले? नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है हम लोग को। पूरी ग्रिप रहती है? पूरी ग्रिप। अगर 5 घंटे है ना, 5 घंटे 5 घंटे एकदम पूरे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी मेरा नाम सुहेल तनवीर है। सुहेल तनवीर, कहाँ से हो भाई? बिहार से। बिहार से? तो बिहार से सोहेल, ये बताओ मेरे को कि आज आपका दूसरा दिन है? हाँ सर। है ना, और दूसरे दिन में आज आपकी क्लास दोपहर में किन के साथ थी? देव सर के साथ थी। देव सर के साथ क्लास थी आपकी? तो किस लेवल की क्लास थी आपकी सर? कंपोनेंट तो के बारे में बात करूँ मैं तो, क्या लेवल था कंपोनेंट? हम तो कभी किए नहीं है सब चीज़, लेकिन जो कर रहे हैं अभी, लग तो रहा था बहुत कठिन है, लेकिन अभी लग रहा है इससे इजी प्रोसेस जो होता है बॉडी का, जो पार्ट हर एक मोबाइल का जो पार्ट्स होते हैं, जो जी हर एक जगह समझाता है सर, कुछ अलग ही लेवल से समझाता, और इससे अच्छा लेवल लगता नहीं है कि पूरा इंडिया में कहीं होगा और दे पाएगा कोई। तो टीम मेहनत करती कि नहीं? जो देव सर की ऐसे टेलीकॉम टीम है, वो कैसी मेहनत करती है? बहुत बढ़िया मेहनत करती है सर, लगातार 5 से 6 घंटा ना बैठा ना कुछ किया, अलग ही लेवल का एनर्जी लेकर सर पढ़ाते हैं पहला बात। दूसरे बात, सर का थकता नहीं है, पहले बात वो सिखाने में थकता नहीं है, सिखाने में।
बल्कि हमें थक जाते हैं, हम थक जाते हैं लेकिन सर थकता नहीं, सर थकते नहीं, सर थकता नहीं। तो आप एक प्रो लेवल के टीचर से पढ़ रहे हैं, नॉलेज आपको प्रो लेवल का मिला, तो मैं बोलूं कि दो दिन की क्लास आपकी कैसी रही? बहुत बढ़िया रही सर, इतना कि सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? बहुत इतना सीखे कि अभी अगर हम चाहे तो बॉडी का हर एक पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो कि बहुत बड़ी बात होता है जी, एक मतलब बिगिनर के लिए बॉडी का हर एक पार्ट बोलना बहुत ही बड़ी बात होता है और हमको पता नहीं था सब चीज़। यू आर अ बिगिनर, आपने शुरुआत की है यहाँ से? शुरुआत की, बस कल एक महीना प्रैक्टिस किए थे घर पे, उसके बाद आए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बोलूँ कि दो दिन में आपकी फीस वसूल हुई कि नहीं हुई? बहुत फीस वसूल है सर। चलिए ठीक है, ठीक है, प्रशांत आइए मेरे साथ, एक और स्टूडेंट है। मैं प्रशांत पवार, पुणे महाराष्ट्र से। सर हमारी दो दिनों की क्लास हुई है अभी, दो दिनों में कंपोनेंट के बारे में हमें सब समझाया गया है जी। तो मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ, पर जो नॉलेज मुझे यहाँ से मिला है कि कंपोनेंट क्या काम करते हैं, उनका वर्किंग कैसे चलता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उनके लिमिट्स क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर आके समझ में आ गई। पिछले 10 सालों से हम जो कर रहे थे शायद वो कुछ गलत था, या हमें पूरा उसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो कि यहाँ पर हमें पूरी अच्छी तरह से बताया गया है। जो भी डाउट है ये तो पूरी थेरोटिकली भी और प्रैक्टिकली भी दोनों तरफ से हमें समझाया गया है पूरी तरह। तो मैं बात करूँ, आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी और आज आपका कंपोनेंट ख़त्म हुआ है। लोग 10-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाते हैं, पर बाकी उसके बाद भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो आपकी देव सर के साथ कंपोनेंट 2 की क्लास थी दोपहर से 12 बजे से 5 बजे तक, तो क्या नज़रिया रहा उनके साथ आपका टीचिंग का? देव सर एक एनर्जी से, जो एनर्जी से पढ़ाते हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर में रहेगा। वैसे वो पूरा दिलोजान लगा के और अपनी सरल भाषा में जैसा भी सर्किट का पूरा नॉलेज कैसा देना है, कंपोनेंट के बारे में कैसे उसको आसानी से आइडेंटिफाई करना है, ये सिर्फ देव सर ही बता सकते हैं। प्रशांत, हमारा अनुशासन यहाँ की, यहाँ का अनुशासन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मतलब जो भी इनका प्रोटोकॉल अनुशासन जो बनाया हुआ है उससे कोई भी कैसा भी फ्रेशर रहने दो या एक्सपीरियंस आदमी रहने दो, उसको बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों का, मोबाइल का जो सर्किट है उसके कंपोनेंट का, सर्किट का पूरा अच्छी तरह से ज्ञान मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो प्रेली देख लो आप। बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छे लेवल पर जा रहा है। उसने पहले तो CPU वगैरह नहीं करता था, ब्लैक टेस्टेड पर भी हाथ नहीं लगाता था, लेकिन अब सब काम कर रहा है, अभी सब डबल डेकर वगैरह सब कर रहा है, हमको पोस्ट पूछ रहा है, पर हमारी कमांड में रहता है, सब कर रहा है। मैं मेरी शॉप से काम उसको देता था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी, वो थी आपकी देव सर के साथ, तो थोड़ा मेरे को उस जर्नी के बारे में बताइए, क्या अनुभव रहा आपका? कंपोनेंट से रिलेटेड तो जैसे हम PCB में देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन एक बार कंपोनेंट की जानकारी मिल गई जैसे देव सर ने बताया, तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जी, कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, सीरीज में कब लगती है, पैरेलल में कब लगती है, तो वो देखने के बाद वो बोर्ड को जो समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जी। लेकिन और थोड़ा सा जैसे देव सर की आगे क्लास होगी तो उसमें और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा दैट बोर्ड को और कितने अच्छे तरीके से समझना है। जैसे ऑब्वियसली है कि आपकी कल है ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन की बात, में केवल आज कंपोनेंट की कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खाली कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट का लेवल जैसा है, अगर मैं तुमसे सारे PCB में जो मैंने कंपोनेंट पढ़ा है वो सारे कंपोनेंट अगर आपको कोई सी भी PCB में देता हूँ, OnePlus की या कोई सी भी ब्रांड की PCB में देता हूँ सैमसंग, तो आप ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं? सर पहले तो हमको कुछ भी नहीं पता था कंपोनेंट के बारे में, लेकिन अब तो हम उसकी GR वैल्यू, उस कब बीप देगा कब नहीं देगा, सीरीज में कब है, पैरेलल में कब है, इवन थर्मिस्टर क्या होता है हमको तो वो भी पता चल गया जी। क्यों यूज़ करते हैं थर्मिस्टर, कैसा होता है, क्यों लगाया जाता है, वो भी हमको बताया गया। तो प्रैक्टिकल और दोनों समझने का दोनों का पर्याप्त टाइम मिलता है? दोनों सर, क्योंकि दोनों ही ओरिएंटेड है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, तो मोस्टली यहाँ प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जितनी ज्यादा देव सर की क्लास में क्या खाली थ्योरी होती है क्या? थ्योरी के साथ साथ थ्योरी होती है क्या सर की क्लास में? वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता क्या? वहाँ प्रैक्टिकल खुद करके बताते हैं, बताते हैं, लेकिन यहाँ फिर उसके बाद उसको जब स्किल्स में, जब हम हैंड स्किल लेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सर ने जो पढ़ाया देन उसको हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल में। बराबर, तो जो सर जो पढ़ाते हैं वो पूरा कम्युनिकेट होता है कि नहीं होता? पूरा, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि सर कुछ और पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल कुछ और चल रहा है? 100% कम्युनिकेट होता है, 100% होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं राजस्थान से हूँ सर। जी सर, तो ये बताइए, आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी और सुबह थी आपकी CPU रिवॉल्व की क्लास। हाँ जी सर, है ना। तो CPU रिवॉल्व की बात है जहाँ तक, थोड़ा सा आप वो बताइए और सबसे ज़्यादा बात कीजिए मेरे से कि जो आपको लाइनों, जो कंपोनेंट का नॉलेज था वो आपको कंपोनेंट का नॉलेज 12 से 5 के बीच में कैसा मिला? जी बढ़िया रहा कंपोनेंट, ये पहले पता था कि ये इस टाइप का काला दिखता है, ये एक सर के सब दिखते रहे, सब एक सर के दिखते थे, सब एक सर के दिखते। अब एकदम सेक्शन वाइज बताया कि ये किसके लिए लगा है, क्या काम करता है,
डायोड बोलो, कैपेसिटर बोलो, रजिस्टर बोलो, जीना रजिस्टर बोलो, सब एकदम अच्छी तरह से पहचान, सब क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, एकदम पूरा क्लास में आपने प्रैक्टिकल करा? बिल्कुल करा सर। और सर ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी क्या? नहीं नहीं, सर तो सर के बारे में बोले तो जितना बोले इतना सर कम है, क्योंकि वो पहले तो समझाते हैं फिर प्रैक्टिकल करके भी बताते कि ये चीज़ है, उसको निकाल के भी बताते इसको कैसे चेक करना है, निकालने के बाद कैसे चेक करना है, ऑन बोर्ड जब बोर्ड में लगाए तो क्या वैल्यू आएगी, निकालने के बाद क्या वैल्यू आएगी, सब एकदम अच्छी तरह से सर सिखाते। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट जी। सर मैं सलीम खान नाम है मेरा, मैं अलीगढ़ यूपी वैसे हूँ और मैं तकरीबन 15 साल से स्कूल में हूँ, लेकिन जो नॉलेज मुझे यहाँ पर आके मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। और जो जो नज़रिया सर ने कहा था, जो नज़रिया है बोर्ड देखने का वो बदल जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे वही बदल रहा है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे यहाँ आके। कल आप उछल जाओगे, कल जो आपकी क्लास है इंडिया में किसी के पास इस क्लास का कंटेंट नहीं। यस सर। ये जो आपको आपको जो कल क्लास मिलने वाली है ना, किसी के पास पूरे इंडिया में गारंटी से बोल रहा हूँ भाई, किसी के पास ये कंटेंट नहीं है जो क्लास आपको मिलने वाली है ना, इसको कोई कॉपी कट कर सकता है। वो क्या है, सर के अनुभव का निचोड़ है। बिल्कुल सर, है ना। जो उन्होंने 2013 से टीचिंग कर रहे हैं प्लस साथ में काम भी कर रहे हैं, तो जो उनका स्किल है, उसका नॉलेज है, जो पीसीबी पढ़ने का नजरिया है उनका, तो उसका पूरा मिक्सअप निचोड़ और अपनी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने बनाया है। वो जो आपको एक सॉलिड गिफ्ट मिलेगा आपको, वो जो कहीं पे भी कंटेंट नहीं होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एमएमसी दुनिया पढ़ा रही है। yes, कि हमारा कंटेंट जो है, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जाना है। बिल्कुल सर, बहुत डिफरेंट है सर, बिल्कुल अलग है सबसे सर। तो ये बताइए आपको कि आज कंपोनेंट 2 की क्लास में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कंपोनेंट डीप लेवल से समझाए सारे कंपोनेंट्स, जो है अब सारे कंपोनेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बराबर है। बात करूँ मैं आइडेंटी करने की, बात करूँ उसके काम की, बात करूँ उसकी मैं रीडिंग की, बात करूँ कब कौन से किस मोड पे मल्टीमीटर को रख के किस मोड से उसकी रीडिंग निकालना है, क्या हम उस कंपोनेंट को बाईपास कर सकते हैं, जी जी क्या जी हम जी उसको जंपर कर सकते हैं, या उस काम का अगर वो शॉर्ट मिलता है तो हम उसको हटा के दूसरा रिप्लेस करना जरूरी है, ये सारा नॉलेज है कि नहीं आपको? जी सर बिल्कुल है सर, हम कर सकते हैं सब सारे काम। अगर एक कॉइल है तो कॉइल को किस में मापी जाती है, एक कैपेसिटर का मान कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी वैरायटी आती है, रजिस्टर को कौन कौन सा आपको है ना, किस कंडीशन में कौन सा रजिस्टर का इस्तेमाल करना है अगर सर्किट में नहीं है, तो सारी चीज का नॉलेज है कि नहीं? बिल्कुल सर, सारा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम है अब्दुल कादिर और मैं हरिद्वार से हूँ। हाँ कादिर, बताइए बताइए आज आपकी कंपोनेंट 2 की क्लास कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही सर। तो क्या लेवल था पढ़ाने का? पढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका था, बहुत ही अच्छा लेवल था। मैं सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया कि क्या काम कंपोनेंट करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ पावर लेता है, कहाँ छोड़ता है, क्या काम करता है, सब बताया। तो कादिर मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर एशिया टेलीकॉम अगर कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि मैं भाई 8वीं 9वीं पढ़ा हूँ, तो क्या उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे कोई डिग्री या ग्रेजुएशन का काम है क्या? नहीं। क्या फील करा आपने? मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कोई डिग्री या किसी का ग्रेजुएशन होना जरूरी है क्या? है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई स्कूल और हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, है ना, तो कोई हायर एजुकेशन के रिक्वायर्ड है क्या? है ना, सीखने का। और कुछ किस स्टूडेंट ने आना चाहिए, जो 5-6 घंटे बैठ सके उसने आना चाहिए कि 15 घंटे बैठ सकता उसने आना चाहिए? 15 घंटे बैठ सकता है। पहले दिन तुम्हारी भी हालत ढीली थी ना? बिल्कुल सर। है ना, आज तो नहीं है ना? नहीं सर। आज क्या है, रजिस्टेंस चेंज हो गया तुम्हारा, है ना, आप 100K का वैल्यू क्या रजिस्टर हो गया तुम्हारा, है ना, है ना, पहले क्या था ओम्स में तुम्हारी वैल्यू थी, है ना, अभी 100K का बन गया और धीरे धीरे मेगा ओम में चले जाओगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये बताइए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं जम्मू से हूँ जी। तो सर आज जो कंप्यूटर की क्लास चल रही है 2 दिन से, बहुत अच्छी चल रही है। गुरुदेव सर जैसे यूट्यूब में दिखाते हैं, जोश के साथ पढ़ाते हैं, दिखाते वीडियो में, ऐसे यहाँ पे जोश के साथ पढ़ाते हैं वो, मतलब जो पढ़ाने का तरीका वो क्या बताऊँगा सर मैं आपको, जो आपको इधर पहुँचेगा उसे पता तब भी नॉलेज हो जाएगा, यूट्यूब पर जैसे बोलते वैसे यहाँ पे मतलब जोश के साथ ही पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि गलती से यहाँ पर डिसिप्लिन स्ट्रिक है कि नहीं? यस सर। वो उसी डिसिप्लिन के चलते स्ट्रिक में यहाँ से किसी को फटकार के भेज दिया गया? यस सर। भेज दिया गया? यस सर। उन्होंने क्या किया है इन लोगों ने? नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ वाली बेच की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी बेच की। अब वो फटकार के पहुँचा दिया गया यहाँ से। अब फटकार के पहुँचाने में क्या हुआ कि बेड रिव्यू वाला उन्होंने वो वीडियो डाल दिया, तो क्या बोलेंगे आप उनके बारे में, क्या लोगों को क्या क्या करना चाहिए उस वीडियो के बारे में?
मेरी पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने सीखने के लिए आ रहे हो तो ये मायने नहीं कहता कि ये सोना खाना खाना पीना तो सब मिलता हमें अच्छा मिलता है, क्यों बोला कि टाइम पे मिलता, मतलब कि सुबह 8 बजे आते हैं तो अर्जुन आप जम्मू से आए हुए हो, जम्मू वाली डिश में यहाँ पे जबलपुर में दे सकता हूँ क्या? नहीं सर, मुझे उधर ऐसा है। और आप कहाँ से आए? मैं यूपी वाली डिश यहाँ पे दे सकता हूँ सर। ओ भाई उधर पासा कहाँ से आओ भाई? कर्नाटक। कर्नाटक, आप कर्नाटक में क्या खाते भाई? कर्नाटक में बिरयानी खाते? क्या खाते? बिरयानी, रोटी बिरयानी खाते हैं, है ना? और मीठी दाल खाते हैं, मिलती क्या है? नहीं मिलती ना, कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने। अच्छा ये बताइए आपकी कंपोनेंट 2 की क्लास कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। आज कंपोनेंट का समापन हुआ, समापन का किसी टाइम ऐसे टेलीकॉम में किसी चीज का नहीं होता, ये साथ में चलता रहेगा पैरेलल। यस सर, है ना? तो ये बताइए मेरे को कंपोनेंट 2 में आज जो भी कंपोनेंट आपको बताया तो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? यस सर, सब नॉलेज होगी सर। और अभी जाते आते आखिरी में अभी शाम की क्लास में क्या किया आपने? जो सर ने बड़ा प्रैक्टिकल किया सब कुछ, शाम तक मुझे 5 बजे अभी तक हम प्रैक्टिकल करते जो सर ने बताया था। और ऐसी भी लगाया सर, और सर सुबह CPU भी रिवाइल की, डबल टेकर भी किया, सब कुछ किया सर। कौन सा CPU रिवाइल करा था तुमने? आईफोन का। मेरे को कौन सा मॉडल था? मेरे को पता नहीं था कि सबसे करवाया मैंने, बाकी किसी को बताया नहीं कि आपने आईफोन का CPU करा है ना। मैक्सिमम जो आपको बड़ा CPU दिख रहा था ना, वो एक्चुअल आईफोन का 8 CPU था। और वो कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? मैंने आईफोन की स्टेंसिल दी किसी को क्या? मैंने सबसे करवाया, बाकी आपको मालूम नहीं पड़ पाया, मैं बताना नहीं चाहता था। ये तो चक्कर क्या है कि तुम अभी ना ज्यादा वो हवा में था कि आईफोन का आपने खुद बताया कि पता कौन सा है। मैंने बोला नहीं, बोले आईफोन 8 का IC है जो आपने डबल टेकर किया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेपाल इधर आइए। तो ये बताइए मेरे को कि आज हमारा क्या क्लास था? कंपोनेंट 2 का क्लास हो गया। सारी चीज़ हमारी क्लियर है कि नहीं है? सर सारी चीज़ें क्लियर है। यस सर। थोड़ी अपनी भाषा में बताओ कैसा लगा आपको? आज कंपोनेंट को क्लास थी और लास्ट। हाँ थोड़ा इधर आ जाइए बाकी। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो। मर्निङमा चाहिँ आइसीको क्लास भयो, त्यहाँ मैले रिभल्भ गर्न चाहिँ केही जाने थिएन। आइसीहरू पावर आइसी रिभल्भ गरेँ, डबल टेकर रिभल्भ गरियो। अहिले मर्निङमा आइसी निकालेर रिभल्भ गरेर त्यही आइसीलाई त्यसैमा हालियो। सोचेको भन्दा बढी भइरहेछ, कन्टिन्यू हुन्छ यो। थ्याङ्क यू। मेरा नाम मंगलाराम है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबू आनिफ है, मैं असम से आया हूँ। अच्छा आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला एमडी जगरिया है असम जी। आपका क्या नाम है? अक्षय नाम है सर, मैं नागपुर से आया हूँ सर। अक्षय नागपुर से, आप थोड़ा इधर आइए, आगे आइए। सर मेरा नाम राम लखन, मैं यूपी से हूँ। राम लखन फ्रॉम यूपी, थोड़ा आगे आइए आप। रंजीत कुमार फ्रॉम बिहार जी, आप भी इधर आइए। हो गया आपका? चलिए, और पीछे कौन है? आशा। सर मेरा नाम वासुदेव मंडल है, मैं उड़ीसा से आया। वासुदेव उड़ीसा से, इतनी दूर से जबलपुर? जी सर। तो कैसी जर्नी रही आपकी? काम बात करूँ कंपोनेंट की, बात करूँ मैं रिवोलिंग की, सीपीयू रिवोलिंग की, तो आप सब लोगों का कैसा रहा? क्लियर रहा आपका? किसी को कोई दुख, किसी को कोई तकलीफ? ये बताइए कि कंपोनेंट 2 की क्लास देव सर के द्वारा मिली है आपको, क्या बोलेंगे आप उनके लिए? थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनकी तारीफ के लिए तो वर्ड नहीं है, उनके पास तो पूरा नॉलेज है, पूरा, जो किसी के पास होगा ही नहीं। बराबर है। अब इसकी जगह ये कंपोनेंट की क्लास कोई तीसरा टीचर देता तो क्या आपको वो वाला नॉलेज मिल पाता क्या? नहीं। चलिए आइए, आगे आइए। हाँ बताइए सर। वो दे ही नहीं पाता सर इतना नॉलेज। अच्छा तो आपको सर के साथ, आप थोड़ा आगे आइए सर के साथ, आपको क्लास कैसी रही देव सर के साथ आपकी? सर बहुत अच्छी रही सर। आज डायोड और कॉइल पढ़ाया गया सर जी, और सर उसके टाइप्स बताए गए और उसकी आइडेंटिटी कैसे पहचाने, क्या करें और कैसे फाइंड करें बोर्ड के अंदर। बराबर। आज से पहले आपको पता था कि कॉइल का वैल्यू भी होता है? नहीं सर। तो बीप मारती थी एक समान कॉइल, आज हेनरी में निकाल रहे हो ना उसको, पढ़ रहे हो ना बूस्ट कॉइल क्या है और बकुल क्या है, सब सब पता है। नॉर्मल कॉइल क्या है ना, पता ही नहीं था कि डबल कॉइल क्या है, डबल कॉइल क्या है, जंप वाला है, क्यों लगती है डबल कॉइल, कहां पे लगती है, क्या वैल्यू की आती है। चलिए थोड़ा सा मैं आपसे, नाम बताइए अपना। राम लखन। हां हां राम बताइए, तो कैसा रहा क्लास आपके साथ? क्लास सर देव सर के साथ क्लास कैसा रहा आपका? तो बहुत बढ़िया रहा सर। आज कंपोनेंट 2 की क्लास थी, बताइए मेरे को कोई डाउट, कोई किसी प्रकार का डाई बोर्ड की जानकारी की, और जी आप
कॉइल की जानकारी और ये डबल कॉइल लगी थी उसमें जंपर लगाना है कि नहीं लगाना ये पूरी जानकारी मिली हमें। मैं पता ही नहीं था कि जंपर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। अच्छा, अब पूरा ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। कंपोनेंट को लेके अगर मैं कोई सी भी पीसी दे दूं दुनिया की, आपके सामने कंपोनेंट रख दूं तो रीडिंग काम सब क्या है, पहचान उसकी सारी सब कुछ बता देंगे, सब बता देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उजेबा, ओ मेरे भाई, ये उजेबा है हमारा, है ना, ये हमारा एक्स स्टूडेंट है उजेबा, अभी बाहर कुवैत में है ये। चलो सब इनको हाय बोल दो, सब बोल रहे हो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?